मार्बल यूनिवर्स में एक ऐसी एलियन स्पीशीज है जो कि दूसरों की बॉडी को अपना होस्ट बनाकर खुद को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ स्पीड और इंटेलिजेंस जैसी सुपर पावर्स देती है इस तरीके के स्पीशीज वाले कैरेक्टर्स को सिम्बायोट कहा जाता है मार्बल यूनिवर्स में ऐसे 40 से भी ज्यादा सिम्बायोट्स हैं जो कि इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो अपने होस्ट की पर्सनालिटी को पॉजिटिव से टोटली totally नेगेटिव तक बना सकते हैं हेलो एंड वेलकम आज टॉयस पिटारा में हम चेकआउट करेंगे ये मार्वल लेजेंड्स वीनम सिम्बायोट एक्शन फिगर वीनम सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर सिम्बायोट है जिसने कि सबसे पहले अपने आप को स्पाइडरमैन से अटैच किया था बाद में जब स्पाइडरमैन ने वीनम को उसके इवल एक्ट की वजह से रिजेक्ट कर दिया था तब वीनम ने स्पाइडरमैन के राइवल एडी ब्रॉक के साथ खुद को बॉन्ड किया वीनम के भी सिम्बायोट ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग है और उन्हीं में से एक है फेज तो आज की वीडियो में हम फेज की इस एक्शन फिगर को चेकआउट करने के साथ साथ हम जानेंगे फेज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यार ये जो Hasbrook की मार्बल लेजेंड सीरीज है इसका हर एक एक्शन फिगर एक्चुअली एक आर्ट पीस ही है मैंने इससे पहले भी मार्वल लेजेंड स्पाइडरमैन और मार्वल मार्बल फाल्कन पे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं आप चाहो तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये है फेज एक्शन फिगर आउट फ्रॉम द बॉक्स इस एक्शन फिगर के साथ ये जो दो बिग साइज लेग्स हैं ये फेज के नहीं हैं बल्कि ये वीनम पूल के हैं जब हम इस बॉक्स के बैक साइड में दी गई मार्बल एजेंट्स की ये फाइव एक्शन फिगर्स कलेक्ट कर लेंगे तब हम वीनम पुल की ये फिगर बना पाएंगे तो अभी के लिए इस पैक को साइड रखते हैं और फेज की इस एक्शन फिगर को चेक आउट करते हैं फेज की ये एक्शन फिगर मावल कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है और आप देख सकते हो कि इस फिगर की हाइट है सिक्स इंच जैसा कि हमने कॉमिक्स में देखा है ये एक्शन फिगर बिल्कुल वैसा ही है ये पूरा का पूरा येलो कलर में है और इसकी बॉडी पर ये ब्लैक कलर के निशान भी बने हुए हैं कॉमिक्स में फेज का कलर ऑरेंज या फिर येलो दिखाया गया है इस एक्शन फिगर में फेज की प्रेजेंटेशन शाइनी येलो कलर में है फेज अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लेड्स निकाल सकता है और ठीक उसी तरह आप देख सकते हो कि इस एक्शन फिगर में फेज के यहाँ शोल्डर्स में हैंड्स में और लेग्स में ब्लेड्स बने हुए हैं ये ब्लेड्स फेज के लुक को और ज्यादा फिर्स बनाते हैं ये ब्लेड्स शार्प हैं, लेकिन ये रबर लाइक प्लास्टिक के हैं इसीलिए इससे किसी भी तरीके की इंजरी होने का कोई भी चांस नहीं है अब ये है फेज का डेंजरस हेडस्कल्प का डिजाइन ये व्हाइट कलर में है फेज की आईज और इसका जॉ एरिया कंप्लीटली ओपन है फेज के ये डेंजरस टीथ और इवन की इसकी टंग की डिटेलिंग भी कंप्लीटली विजिबल है फेज के ये चेस्ट आर्म और थाई के मसल की डिटेलिंग कमाल की है ऊपर से इसके बॉडी पर ये जो ब्लेड्स हैं इसका लुक भी बहुत कमाल लग रहा है तो कुछ इस तरीके से फेज बैक साइड से दिखता है और इनफैक्ट फेज का ये बैक ब्लेड तो इजिली रिमूव भी हो जाता है कैरेक्टर का डेब्यू 1993 में वीनम लीडर प्रोटेक्टर में हुआ था Phage का क्रिएशन लाइफ फाउंडेशन में एक प्रोजेक्ट के लिए किया गया था लाइफ फाउंडेशन उस समय एक सुपर ह्यूमन पुलिस फोर्स बनाना चाहता था और तब वीनम के फर्स्ट सन कार्नेट से फाइव सिम्बायोड को क्रिएट किया गया था जो कि थे लैशर एगनी क्रीम रायट एंड फेज फेज अपने होस्ट को ऑरेंज या फिर येलो कलर के पावरफुल मटेरियल से कवर करके अपने होस्ट की नेचुरल एबिलिटीज को सुपर ह्यूमन लेवल तक ले जाता है और होस्ट से अटैच होते ही फेज अपनी बॉडी में बहुत सारे ब्लेड्स भी बना लेता है इस एक्शन फिगर में फेज की बॉडी पर तो ब्लेड है और साथ में एसेसरी के तौर पर हमें ये एक्स्ट्रा ब्लेड भी मिलता है ये ब्लेड भी रबर लाइक प्लास्टिक मटेरियल से है इससे भी इंजरी होने का कोई चांस नहीं है इसे हम फेज के दोनों हैंड में से किसी में भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं बट यार ये सही बात नहीं है कि ये ब्लेड अटैचमेंट के लिए कोई प्रॉपर पॉइंट इस एक्शन फिगर में नहीं है फेज के इस एक्शन फिगर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और जॉइंट्स हैं जिन्हें ट्विस्ट टर्न एंड टिल्ट करके इसके बहुत सारे अमेजिंग पोजर्स बनाए जा सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ नेक से आप देख सकते हो इसे ईजिली चारों ओर घुमाया जा सकता है और इसके हेड को अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरीके से टिल्ट भी किया जा सकता है नेक के बाद सेकेंड जॉइंट यहाँ शोल्डर्स में है फेज की आर्म्स को ओपन कर सकते हैं ये ऑलमोस्ट सेवेंटी डिग्री तक ओपन होती है और इसी पॉइंट से इसकी आर्म्स को भी कंप्लीटली घुमाया जा सकता है इसकी आर्म में ही ये दूसरा पॉइंट है जो कि बड़ी आसानी से चारों ओर घूमता है फिर ये कोनी वाला पॉइंट है जिससे ये फ्रंट और बैकवर्ड इस तरीके से अपना हाथ मूव कर सकता है उसके अलावा इसके हाथ में ये फोर्थ पॉइंट पर ये रिस्ट से कंप्लीटली मूव कर सकता है फेज के लेग में फाइव पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है यहां से ये लेग्स को कम्प्लीटली ओपन करेगा चारों तरफ रोटेट करेगा ये सेकेंड पॉइंट है ये भी इजीली कंप्लीटली चारों ओर घूमता है फिर ये नी वाला बेंट है इस तरीके से आप रनिंग पोजेस बना सकते हैं और यहां पर भी एक जॉइंट है जिससे ये चारों ओर अगेन घूम सकता है और लास्ट है ये एंकल वाला पॉइंट जहां से ये अपने लेग को अप एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है और साथ में ही ये अपने शू को चारों ओर इस तरीके से रोटेट कर सकता है फ्रेंड्स जस्ट लुक एट हिज क्लॉ हैंड्स ये कितने ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं अब इसकी बॉडी आर्टिकुलेशन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि है इसकी चेस्ट और स्टमक की मूवमेंट्स तो अब उसे चेकआउट करते हैं इस तरीके से ये ऐप क्रंच बैकवर्ड और इस तरीके से ये ऐप क्रंच फॉरवर्ड मूव करता है और ये लास्ट जॉइंट है वेस्ट का जिससे ये चारों ओर घूम सकता है सो लुक एट दिस ये कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है तो आप देख सकते हो कि इस तरीके की रोटेशन करके ये और ज्यादा डेंजरस लुक देता है तो देखा आपने कि किस तरीके से फेज की ये छोटी सी एक्शन फिगर में हर तरीके की बॉडी आर्टिकुलेशन पॉसिबल है आई मस्ट से दैट दिस इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी मुझे इस एक्शन फिगर में किसी भी तरीके की कोई कमी नजर नहीं आई इसका लुक फिनिश और क्वालिटी सुपर्ब है एक्शन फिगर कलेक्टर्स इस एक्शन फिगर को बिल्कुल खरीद सकते हैं ये ऑनलाइन इजिली अवेलेबल है प्रेजेंटली इसका प्राइस थोड़ा है थोड़ा सा वेट करके इसे परचेस कर सकते हो रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा तो फ्रेंड्स जल्दी से कॉमेंट करके बताओ की आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना टिल देन बबाई